आज हम आपको उत्तर प्रदेश के उस लोकप्रिय नेता से मिलवाते हैं जिसकी काबिलियत का लोहा उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और सभी पूर्व मुख्यमंत्री मान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की प्रचंड लहर के बावजूद, मुसलमानों ओबीसी के साथ छोड़ने के बावजूद, दलितों के राजनीतिक स्वाभिमान का झंडा बुलंद करने वाले बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक फौजी परिवार के बेटे उमाशंकर सिंह से बलिया की रजरा विधानसभा में इनके जलवे के आगे बड़े बड़े नेता नाकाम साबित हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेताओं की बातों को बलिया के मतदाता नकार देते हैं और उमाशंकर सिंह को हर हाल में तीसरी बार विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेज देते हैं और वह दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाले बहुजन समाज पार्टी के स्वाभिमान का प्रतीक बन जाते हैं। नहीं, उमाशंकर से बेहतर मतलब कोई नहीं हो सकता है। लोगों ने बहुत प्रचंड वोटों से, उस समय मुझे लगता है कि मैं 53-54 हज़ार से मैं चुनाव जीता था पहली बार, तो निश्चित रूप से काफ़ी, अब उसी के बाद मैं आगे बढ़ता गया। फिर आप देखें, अब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जितनी आधी थी लहर थी, कोई मतलब हमारे 19 MLA, हम लोग 82 से सीधा 19 पे आ गए, लेकिन उसमें भी जो पहला मेरा वोट था 82,000-83,000 जो मैं पहली बार वोट पाया था, उससे 10,000 भाग के मुझे फिर वोट मिला। तो डे बाय डे मैंने राजनीति में एक मुकाम हासिल किया और आज फिर आपके बीच हैं। 2022 में आपने देखा 2022 में क्या सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी आज हमारी, कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस बिल्कुल हम लोगों की सोच से परे हो गया। हम लोग कभी ऐसा सोचे भी नहीं थे, हम लोग तो पूरी तरह से सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे अखिलेश जी समझ नहीं पाए और उन्होंने हमारी पार्टी को, माननीय अखिलेश जी ने, यह मीडिया के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य लोगों के माध्यम से यह प्रचारित करा दिया पूरे मंच से कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जिसका मुझे काफ़ी, हमारी पार्टी का काफ़ी नुकसान हुआ। पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के स्वागत में जब सदन में पहली बैठक हो रही थी, तब कुछ नेताओं ने बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह का मजाक उड़ाना चाहा, लेकिन उमाशंकर सिंह ने ऐसा जवाब दिया कि पूरे सदन में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। यूपी का बच्चा बच्चा जान गया कि कौन है उमाशंकर सिंह, कौन है देश की रक्षा करने वाले छत्री परिवार का स्वाभिमानी बेटा जिसकी रगों में एक फौजी का खून दौड़ रहा है, जो बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के सम्मान में खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो दलितों और पिछड़ों की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुका है, इसीलिए बड़े बड़े नेताओं से भी वह दुश्मनी लेने में नहीं डरता। इतना जरूर इंगित करा दिया कि भाई आप, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो आप कभी, न आपको समाजवादी पार्टी पूछती और न आपको भारतीय जनता पार्टी पूछती। आज उन लोगों की आप शोभा बढ़ा रहे हो, उसकी केवल एक वजह है बहुजन समाज पार्टी। इस बात को मैंने कहा, सब लोगों ने इस बात को अप्रिसिएट किया। हमको लगता है कि आप सभी मीडिया जगत के लोग, जब मैं बाहर निकला तो सब लोगों ने मुझे काफ़ी वो किया, मेरा हौसला बढ़ाया। सर, उसके अन्य जो भी पॉलिटिकल उस हाउस में भी जब समाप्त हुआ तो जितने हाउस के तमाम लोग थे, कहे कि नहीं, आपने बहुत सही स्टेप लिया, इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये क्या बात थी भाई, आप अकेले हैं, इसका मतलब ये थोड़े है। लेकिन हो सकता है उस दिन, अब मुझे नहीं लगता कि उस दिन के बाद फिर अब वो लोग अगर आएंगे फिर इस तरह से, अगर मजाक बनाएंगे बहुजन समाज पार्टी का, तो मेरे पास है तमाम उन लोगों के बारे में, मैं रखूँगा विस्तार पर, समय आएगा तो। उमाशंकर सिंह ने सिर्फ उन नेताओं के ही चेहरे का रंग नहीं उड़ाया जो कभी बसपा में थे, बल्कि विधानसभा में पूरी दमदारी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी यह कह दिया कि आप दोनों लोग सदन में हमसे जूनियर हैं और इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि सदन में किसी भी सदस्य के मान सम्मान से खिलवाड़ ना हो। क्योंकि जिस तरह से बड़े भाई ने कहा कि भाई इस विधानसभा के प्रथम सदस्य के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, तो हम लोग इस विधानसभा में, भाई आप दोनों लोगों के सीनियर हैं, इसलिए आप सभी का स्वागत बधाई है। रह गए माननीय अध्यक्ष जी विपक्ष, तब तक फिर उसी में मेरा दिमाग गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, नो डाउट माननीय मुख्यमंत्री जी भाई 5-5 बार सांसद रहे हैं,
ये बहुत बड़ी बात है भाई, एक ही पार्लियामेंट से एक ही जगह पाँच पाँच साल अगर कोई पार्लियामेंट में चुनाव जीता है। लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री सदन के इस विधानसभा में हम लोग बैठे हैं, आप पहली बार सदस्य चुन के आए हैं, आपका स्वागत है। मैंने उनका भी हमने स्वागत किया, फिर हमने नेता विरोधी दल श्री अखिलेश को भी कहा हमने उमा शंकर सिंह पर पहले भी बड़े बड़े हमले हुए हैं, लोगों ने उनके परिवार के बिजनेस पर सवाल उठाए हैं। एक बार तो विरोधियों ने उनके विधानसभा सदस्यता ही रद्द करवा दी थी, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने उमा शंकर सिंह के ईमानदारी और काबिलियत पर मोहर लगा दी। उमा शंकर सिंह कहते हैं कि वह ना तो अपने विधायक निधि बेचते हैं और ना ही सियासत की आड़ में दलाली करना चाहते हैं। वो उन नेताओं को भी चेतावनी देते हैं जो राजनीति की आड़ में पैसे कमाने के लिए तमाम तरह के कुकर्म करते हैं, ठेकेदारी, प्रॉपर्टी डीलिंग और दूसरे अघोषित धंधों में जुटे रहते हैं। उमा शंकर सिंह का साफ कहना है कि पैसे कमाने के लिए नियम कानून के साथ व्यापार करिए, लेकिन राजनीति सिर्फ समाज सेवा के लिए ही करिए। उनकी कंपनी छात्र शक्ति का पूरे उत्तर प्रदेश में नाम है, उनके परिवार के सदस्य कंपनी चलाते हैं, वह विधायक बनने से पहले ही इस कंपनी से इस्तीफा दे चुके हैं। अपनी कंपनी की इनकम के दम पर उमा शंकर सिंह का परिवार मान सम्मान का जीवन जी रहा है और अपनी राजनीतिक ईमानदारी के दम पर वह सियासत में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज वक्त ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी दलितों की सबसे बड़ी नेता और दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का मान सम्मान बचाने के लिए एक फौजी के बेटे, एक छत्री के बेटे उमा शंकर सिंह खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन ओपिनियन।